नमस्कार सर्वे भवंतु सुखिनः कार्यक्रमक स्वागत शिक्षा मनुष्यर स्वप्न को उड़ान दिए एहा ताकु बुद्धिमान विचारवंत एवं प्रज्ञावान करिथाय शिक्षा होची प्रगतिर बाहक एवं एक सुसंगत सामाजिक व्यवस्थार भित्तिभूमि तेबे शिक्षार आभिमुख्य को नै आमर आजिर आलोचना आलोचना पई आम सहित अछंती स्वामी सदानंद सरस्वती स्वामी जी प्रणाम प्रणाम आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत धन्यवाद तेबे शिक्षार आभिमुख्य ए संपर्क रे आमे आलोचना करिया पूर्व आमे प्रथमे जानिबा जे शिक्षा कहले कोन एहा पोथी बही व्यवहारिक ज्ञान ना दर्शन को बुझाए आमर शास्त्र रे कथा अछि शास्त्र रे शिक्षा पई विद्या शब्द व्यवहार करा सा विद्या या विमुक्त एटा बहुत लोकप्रिय उक्ति तार अर्थ होउछि शिक्षा सेया जहाँ जन को इंडिपेंडेंस करे विमुक्ति माने इंडिपेंडेंस तो मुक्ति दिए फ्रीडम आनी दबो फ्रीडम कहिले अन्य ऊपर निर्भर करिवो नाही स्वयं संपूर्ण हो उदाहरण स्वरूप फिजिकल एजुकेशन जन को फिजिकली इंडिपेंडेंट करे इमोशनल एजुकेशन जन को इमोशनली इंडिपेंडेंट करे इंटेलेक्चुअल एजुकेशन जन को इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंट करे बौद्धिक स्तर रे तार एवं स्पिरिचुअल एजुकेशन जन को स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट करे ए चारिटा होची मनुष्यर स्तर मनेकर मो बापा मा मते सिखैले जो खाइबा सिखैले मु खाइबा सिखिली माने मु आ खाइबा पई मा ऊपर निर्भर कली नाही गोटे झीटा को माटे रोसे सिखेला तमन से रोसे सिखला माने से निजे खाद्य रांधि पारिब ये है फिजिकल इंडिपेंडेंस मु निजे कपड़ा पिंधि सिखिली लुगा पिंधि सिखिली मु निजे गाधे सिखिली मु निजे साइकिल चलेबा सिखिली ये भाव भी एजुकेशन ये सब भी एजुकेशन मनकर मु चलिबा पई पैसा दरकार मु इंटेलेक्चुअली मते गोटे विद्या शिक्षा गला मु जने बढ़ई काम सिखिली मु डाक्तरी काम सिखिली मु इंजीनियरिंग काम सिखिली मु क्लर्क काम सिखिली मु ये काम सिखिली फल मो विद्या द्वारा मु पैसा उपार्जन करी इंटेलेक्चुअल एजुकेशन एवं मु निज जीवन रे मु निष्पत्ति नहीं पारि डिसीजन नहीं पारि कोटा ठीक कोटा भूल प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्ये से माने भांगी पड़िबे नै जेंति एवं इमोशनल एजुकेशन माने मो बापा मा मते स्नेह दउथिले मु सिखिली मो छुआ को मध्ये मु स्नेह देई पारिबि ये होची इमोशनल इंडिपेंडेंस स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस माने मो गुरु मते आध्यात्मिक विद्या सिखैले निज मन को केमती शांत करिव निज मन को केमती स्थिर करिव तेणु मु निजे सिखिली मो मन को मु केमती स्थिर करिवि मो मन को केमती शांत करिवि तेणु ये होची एजुकेशन आपण ताकु बही लेखिकिरी पोथी द्वारा सिखांतु कि आपण ताकु प्रैक्टिकल लाइफ रे ताकु सिखांतु व्यवहारिक ज्ञान जो को मोड ऑफ एजुकेशन अलग हाई पारे जेते बेले बही तयारी हेई नथिला सेते बेले गुरु कहुतिले से सुनी किरि सिखुतिले तापर बही तयारी हेला पढ़ी किरि सिखिले तीन प्रकार मनुष्य सिखे एजुकेशन गोटे सुनी किरि सिखे गोटे देखी किरि सिखे आ गोटे करी किरि सिखे तणु मनकर गोटे बढ़ई काम करू से बही दरकार नै अल्प बही दरकार से देखिला से काम कला ता संगे मिस्त्री संगे से काम कला से भी गोटे एजुकेशन मनकर जन दुकान तो बापार दुकान अच्छे लुगा दुकान से सब दिन दसटा रु चार तो बापा लुगा दुकान तो साहय कला से कौन करुच्ची गोटे एजुकेशन से शिखुच मो बापा मुझे दुकान को चल शिखिला ये पाठ पढ़ी पैसा रोजगार करवा शिखुच सी बापा पाखे रही हेल्प करोगार करवा शिखुच हाँ तेणु स्कूल जाऊ कहीं एजुकेशन कहे ये जो सी जो बापा को साहय कर एजुकेशन भाविबा ना तेणु ये हूँ एजुकेशन तेणु प्रथम देखिए से पिला कौन शिखिला आम जो टेन्थ पढ़ला परीक्षा देला टेन्थ पर पिला कौन शिखिला बापा मान निजे आम तो कहे मैथमेटिक्स एतिक रखेदेला साहित्य एतिक रखेदेला कि इंग्लीश एतिक रखेदेला से पिला प्रकृति में कौन शिखिला तो किए अब्जर्व कर प्राक्टिकली किए अब्जर्व कर तेणु बापा माँ देखिए मो पा कौन शिखुच कि ना फिजिकल लेवल स्वयं संपूर्ण मानसिक स्तर में स्वयं संपूर्ण बौद्धिक स्तर में स्वयं संपूर्ण
आध्यात्मिक स्तर रे केते स्वयं संपूर्ण आकु जने देखिबा कथा तबे जीवन रो सृजनशीलता गुण को बढ़िया पई कि शिक्षा केते गुरुत्वपूर्ण बा यहार भूमिका केते गुरुत्वपूर्ण हां सृजनशीलता माने जने किछि सृष्टि करिवो जे मु निजे तयारी करि परिबि तणु मु सिखिले त तयारी करिबि मनकर मते पिठा तयारी करिबा आसे ना मो मां पिठा तयारी करूछि मु ताकु सहाय्य कलि काम रे ता पाखे पाखे रहिली से केमती सिखो पिठा करूछि मु देखिली से भी मते सिखै देला एको एमती कर सेमती कर मझिरे मझिरे तणु मु पिठा तयारी करिबा सिखिली काठो देखि करि मो मां ठारु देखि करि तणु ए शिक्षा हबा जोगु ही मु त तयारी करि पारली जोउथरे सृजनशीलतार शक्ति आसे नाही जोउठी मु निजे तयारी करि पारे नाही ताकु शिक्षा कहिबा नाही त माने जो शिक्षा मो भितरे सृजन करिवार शक्ति के उत्पन्न करे नाही से शिक्षा शिक्षा नहीं सेइथिपई शिक्षार देवी होउछन्ती सरस्वती एवं सृजनशीलतार देवता होउछन्ती ब्रह्मा ब्रह्मा एवं सरस्वती ये परस्पर ब्रह्मांकर पत्नी होउछन्ती सरस्वती जेमिति कि विष्णुंकर पत्नी हेले लक्ष्मी शिवंकर पत्नी हेले पार्वती तेणु ब्रह्मांकर पत्नी हेले सरस्वती आम पुराण रे सिम्बोलिकली ये दुई जनक एकाठी करागला त माने जोठी ज्ञान अछि माने सेठी निश्चित सृजनशीलता आसीबो जदि सृजन करिया को आमे चाहुचे माने शिक्षा आवश्यक यदि मु किछि नुवा करिया पई चाहुची सिखिबा दरकार यदि मु सिखिची निश्चित भाबर नुवा करिबी यदि मु सृष्टि करि पारु नाही ताले मु सिखि नाही यदि मु सृष्टि करिया को चाहुची ताले मते सिखिबा निहाती जरूरी ये परस्पर परस्पर सहित संबंधित तबे शिक्षार प्रकृत अभिमुख्य कहले कौन बुझिबा बा प्रकृत अभिमुख्य कौन अभिमुख्य माने शिक्षार उद्देश्य शिक्षार उद्देश्य होउची निज गोडरे निजे ठिया हबा मु जिमिति कहली स्वयं संपूर्ण हबा मु जहा सिखि नाही ताकु सिखि निजे करि परिबा ये होउची शिक्षार अभिमुख्य शारीरिक भाव रे मु स्वयं संपूर्ण हेबी मानसिक भाव रे मु स्वयं संपूर्ण हेबी बौद्धिक भाव रे मु स्वयं संपूर्ण हेबी एवं आत्मिक भाव आध्यात्मिक भाव में स्वयं संपूर्ण हेबी तेणु गोटे स्वयं संपूर्ण व्यक्तित्व हवा गठन करवा गोटे मनुष्य को स्वयं संपूर्ण करवा शिक्षार आभिमुख्य आत्मनिर्भरशील हवा हूँ शिक्षार आभिमुख्य जो शिक्षा मत आत्मनिर्भरशील करई पारा ना से शिक्षा शिक्षा नु गांधीजी कहते जी सरल जीवन जापन करना से पशुत्व भितर बांधे रही तबे शिक्षार एक उद्देश्य सरलता बोली आमे इटि कहि परिबा के सरल जीवन जापन रो अर्थ होउची परिस्थिति जो अनुसार थिबो सेई अनुसार निजो को ढळेबा से अनुसार सेई ढांचा रे निजो को पकेबा तणु जदी जणक पाखरे शिक्षा द्वारा ता भीतर एतिकी ज्ञान एतिकी परिमाण रे ता भीतर जे सामर्थ्य उत्पन्न न होई थिबो से निजो को परिस्थिति रो ढांचा रे पकेई परिबो नाही तेणु से गांधीजी कहते जे सरल जीवन जापन शिक्षार बहुत आवश्यकता अच्छे जी शिक्षित नुहे जहाँ भितर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग भितर विचार शक्ति ना से व्यक्ति निजक बदल पारना जी निजक बदल पारना सी एक सरल जीवन जापन कर जीवन तीन बहुत कष्ट उदाहरण स्वरूप मु खाइबापी बंचवी ना बंचापी खाइबी जदि जन बुझीगला जे नाही नाही मु बंचिबा पई खाइबा दरकार तणु त खाइबाटा बंचिबा उपयोगी हबो तणु सरल खाद्य से खाइबो जणे दि कहिबो ना नाही खाइबा पई मु बंचिबे तणु से हेतु बुझि नाही तार शिक्षार अभाव तणु से खाइबार बहुत पैसा खर्च करिवो आडसड जिनिस खाइबो शरीर रोग सृष्टि हबो तणु त अंडरस्टैंडिंग कारण जने शिक्षित हेले तार विचार शक्ति समृद्ध होय से जिनिसटा को बुझि पारे तबे आमे इटि कहि परबे कि शिक्षा मनुष्य जीवन रे संस्कार आनी थाय बोली एग्रीड संस्कार शब्द रो अर्थ होची परिमार्जित हो आज्ञा तण मो भितरे जो दोष दुर्बलता थाए मु शिक्षित हबा द्वारा मो विचार शक्ति बढीबा द्वारा मु से दोष दुर्बलता को त्याग करे मो भितरे परिमार्जना हुए अनेक समय रे अनेक शिक्षित व्यक्ति मध्ये अविवेकी काम करै थांते से शिक्षित नहुए स्वामी जी आमे आलोचना करथले जे अनेक शिक्षित व्यक्ति मध्ये अनेक समय रे अविवेकी काम करथंती जहार अनेक दृष्टांत आमे देखिबा को पाउजु तबे एपरि काहि के हेथाय आमे जो शिक्षित व्यक्ति बोली कहूचे से सर्टिफिकेट हासिल करिची आज्ञा केवल डिग्री धारी डिग्री धारी किंतु ता भितरे शिक्षा रो सेतिकि जो प्रकृत शिक्षित होबा कथा ता भितरे शिक्षा सेतिकि होई नाही
ସେ ନିଜକୁ ସେତିକି ଏଜୁକେଟ୍ କରିପାରି ନାହିଁ, ତା ମନରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ତା ମନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭଟକା ଥିଲା ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର କେମିତି ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ମାନେ ନାହିଁ ସଂସ୍କାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ ଯଦି ସେ ସଂସ୍କାର ତା ଭିତରେ ଆସିଲା ନାହିଁ ତାମାନେ ସେ ଶିଖି ନାହିଁ ନା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ କି? ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଶିଖିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଉଛି। ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଶିଖିଛି, ତାର ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ଚାରି ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନ, ତା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏବଂ ଇମୋସନାଲ ଏଜୁକେସନ ହେଇନାହିଁ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସେ ରୋଗକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ସେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଏ କଥା ତ ବହିରେ ନାହିଁ, ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ସେ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରିବ କି ଯଦି ସେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ତାକୁ ପଇସା ନେବ ନାହିଁ କମ୍ ପଇସାରେ କରିବ, ଏ କଥା ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଆମର ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି କି? ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହେବା, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କି? ଏ ତ ପାର୍ସିଆଲ ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ଆଂଶିକ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ କରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ତାର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନେଇକି। ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଡାକ୍ତର, ସେ ନିଜେ ହୁଏତ କ୍ୟାନ୍ସରର ଡାକ୍ତର କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତମ୍ବାକୁ ସେବନ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ସିନା, ଅନ୍ୟ ତିନି ଭାଗ ତାର ଶିକ୍ଷାର ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନି। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରହିବା ଦରକାର? ଆମେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛି ସମାଜ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସେ ମଣିଷକୁ ନିଜ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବି ସେ ତାକୁ ଶିଖେଇବ, ପରିବାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖେଇବ ଏବଂ ସମାଜ ସହିତ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କାରଣ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସିଏ ଶିଖିଛି ଯେ କେମିତି ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଳିବ, ସିଏ ଶିଖିଛି ଯେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବ, ସିଏ ଶିଖିଛି ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମାଜ ସହିତ କେମିତି ସିଏ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକିରି ଖାପ ଖୁଆଇକିରି ଚଳିବ। ଉଦାହରଣ ମନେକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆମେ ଜର୍ମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଏଠୁ ଶିଖୁଛି ଜର୍ମାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ, ଜର୍ମାନ କଲଚର କ'ଣ, ଜର୍ମାନର ଲ କ'ଣ, ହାବଭାବ କ'ଣ, ସିଏ ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିରି ଜର୍ମାନ ଯାଉଛି ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେକର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାକିରି କରିବି, ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି ରହିବି, ମୋତେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଠି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଏଠି କେଉଁ ମଶା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା କ'ଣ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ'ଣ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କ'ଣ, ଏଠି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଏସବୁ ଶିଖିଲେ ତ ମୋତେ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମାଜରେ ଚଳୁଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ସମାଜରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କଲା ତା ମାନେ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ସେ ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ହେଉଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ନୈତିକତା ବିହୀନ ଶିକ୍ଷା ତାହା କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ, ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ କାଗଜ, ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ବି ଇଭିନ୍ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଆୟତନ, କୌଣସି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରୁନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ମନେକର ଜଣେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢୁଛି, MBBS ପାସ୍ କଲା, MBBS ପାସ୍ କଲା ପରେ ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବା ଉଚିତ ରୋଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ରୋଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସିଏ ଘର ତିଆରି କରିପାରୁଥିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ନୀଚ ସ୍ତରକୁ, ନିକୃଷ୍ଟ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ଇଭେନ୍ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାକିରି କଲେ ପୁଣି ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଚାକିରିରେ, ତାମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବହି ଧରିକିରି ପଢ଼ିକିରି ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କାମ କଲା ପରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଏହାର ପ୍ରଜ୍ଞାର ବିକାଶ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ କି? ପ୍ରଜ୍ଞା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯଦି ହେବ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଜ୍ଞା ଶବ୍ଦର ସ୍ତରକୁ ନେବା, ପ୍ରଜ୍ଞା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ନେଉଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞାର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ।
द्वितीय अर्थ से गोटे भल डाक्तर हवा साथी साथी से गोटे भल मनीष हम से जो प्रज्ञा ता भीतर कोठ आस तेणु जदि से शिक्षाटा बोथ को आड्रेस करवा दरकार आम शिक्षा व्यवस्था एभली हवा दरकार शिक्षित करवा से गोटे भल डाक्तरी हवा साथी साथी प्रोफेशनली से मध्य गोटे भल मनीष हम गोटे हृदयवान मनीष हम यदि से भल मनीषटे ना से भल डाक्तर होकर लाभ कौन तेज जदि मनुष्य चरित्र गठन शिक्षा सहायक न हुए प्रकृत शिक्षा बोली आमे कहि परबा के चरित्र कहले चरित्र गठन कहले आजिकाली गोटे चारित्रिक शिक्षा अलग क्यारेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन अलग करा जाउछि जे आम शिक्षा व्यवस्था से पूर्णांग मान सब आस्पेक्ट रहा कथा जोटा कि एबे रहु नाही सेति पई विभिन्न प्रकार समस्या देखा जाउछि हमर इंजीनियरिंग पिला माने ड्रग खाउछन्ती इंजीनियरिंग पिला माने चेन लूट करुछन्ती तेणु सी खाली पाठ पढ़ले कौन हम कि हृदयटा जो भाई या कथा चरित्र जो भाई निर्माण हवा कथा विवेकानंद कहते एजुकेशन से क्यारेक्टर बिल्डिंग आदि तार क्यारेक्टरटा या से एजुकेशन नुहे से खाली कौन गोटे सर्टिफिकेट दे सर्टिफिकेट देखिए सी खाली पैसा रोजगार कला गोटे मनीष तैयारी करूना शिक्षा गोटे मनीष तैयारी करवा उचित ना शिक्षा खाली पैसा रोजगार कर गोटे मेसीन या उचित ना ना पूर्णांग विकास हवा दरकार तेरे प्रकृत शिक्षित कह तार शारीरिक व्यक्तित्व विकास होता मानसिक व्यक्तित्व विकास होता बौद्धिक व्यक्तित्व विकास होता आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकास तेज बर्तमान समय विभिन्न जगार जमी असहिष्णुता वृद्धि पाँच ये धर्म अंधता शिक्षार असहिष्णुता दायी कि कारण आम जो शिक्षायतन पिला शिखौचे से विषय किसी शिखो ही ना अन्य धर्म प्रति सहिष्णुत्व एक आम कहीं शिखना पिला को केमती गोटे भल मनीष हम से कथा आम शिखना बर कि जगह ओलटा शिखा जा फंडामेंटालिस्ट मान मन कि धर्म लोक मैंने धर्म लोक मान अन्य धर्म एगेनस्ट ये तो रॉन्ग एजुकेशन तेनालीराम एजुकेशन केमती है आम जन दर्शक प्रश्न अच्छी से चाहती पुओ तांको पदांको अनुसरण कर अर्थात तांको नियम कानून भितर से रोटा कि पुओ पसंद करूना तेज एक क्षेत्र में से कहते कि श्रृंखला भितर स्वाधीनता जरूरी कि जरूरी शुणत तो, मो पु मोरी भलिया हम ना पु गोटे भल मनीष हम ये दुटा अलग जिन भल मनीष हबार बहुत मापकाठी अच्छी मुँ गोटे भल मनीष कि मो पु मोरी भाया नई पारे कि भल मनीष उदाहरण मु क्रिकेट खेलुची मो पु क्रिकेटर हम ना मो पु गोटे खेला हम यदि से फुटबल खेल अलग जीन थी तेणु से आम जन को गाइड कला बेले आम या भितर भगवान कौ स्वतंत्रता देखने देखापी पड़े जो सृजनशीलता गुण थी कौ गुण मूल अच्छी आपण गोटे गध को भल गध करें गोटे घोड़ा को भल घोड़ा करें मुझे चाहे जो गध को घोड़ा करी घोड़ा को गध कर तो भूल है ना तेनाली भगवान कौ गुण दे कौ प्रतिभा विकसित करवा हूँ एजुकेशन आ मो इच्छाटा को लदि दबाटा ये एजुकेशन श्रृंखला भितर स्वाधीनता ये कथी ताहा वर्तमान समय में विभिन्न घरे घरे समस्या उदाहरण मुझे कहूँ मो शिव को पूजा करे ता अर्थ न जे मो पु शिव को पूजा करे सी कहा को पूजा करी पारे तेणु मुझे विचार को सम्मान देवा उचित ना नहीं निश्चित तेणु मुझे श्रृंखलित करी श्रृंखलित भीतर स्वाधीनतार अर्थ हो आम समस्त विटामिन खाइबा विटामिन फल दरकार श्रृंखला जे आमर लंच रे फल समस्ते खाइबे किंतु मु कहि परबिनि समस्त कदळी खाओ आज समस्त अमृतभंडा खाओ ना मो इच्छा है मो अमृतभंडा खाइबे आपन के इच्छा है आपन कदळी खाइबे आपन भी फल खाइले मु भी फल खाइले ये श्रृंखला ये जो स्वाधीनता जन को दबा उचित स्वाधीनता रहिबा दरकार किंतु स्वेच्छाचारिता नहि हां आज्ञा तबे आमर आउ जने दर्शक को प्रश्न रहि छि से कहिछन्ति कि जने विद्यार्थीर दिनचर्या किपरि हेबा उचित विद्यार्थी समस्त दिनचर्या श्रृंखलित होगा उचित एवं जड़े व्यक्ति जी शीघ्र उठे आपण के चाणक्य श्लोक बहुत सरल दिनचर्या अच्छी
जे गोटे विद्यार्थी केमिति दिनचर्या से कहे सी बहुत जे काक स्नान बक ध्यान आपण सुनथिबे ये श्लोक से काउ भलिया स्नान करूथिबो बक भलिया ध्यान करूथिबो श्वान भलिया सोउथिबो गृह त्यागी ये होची विद्यार्थीर लक्षण बोली कहा जाउछ अर्थात सबु समस्तक पई दिनचर्या होची यदि आम सका उठी पारे भोर सूर्योदय समय उठिले गोटे विद्यार्थी सूर्योदय समय उठिला भगवान को प्रार्थना कला स्नान शौच आदि सारा प्रार्थना कला कि समय पाठ पढ़ला तापर से विद्यालय को गला हाँ मझे तार जो समय ब्रेकफास्ट नवा कथा पाठ सड़ी ब्रेकफास्ट नेला विद्यालय को गला विद्यालय पाठ पढ़ला विद्यालय फेरला लंच खाइला कि समय रेस्ट कला तापर पुणी खेलवापी गला कारण तार चार जाक दिग्क आम देखा पड़े ना विद्यार्थी तार शारीरिक मजबूती खेलाखेली भी कर मानसिक मजबूती परिवार सांगे समय काटव हसखुशी टिके कर मौज मजलिस टिके कर बौद्धिक मैंने से पाठ को अध्ययन कर भल भाव आध्यात्मिक मैंने से टे ईश्वर को पूजा कर प्रेयर कर योग कर जहाँ तार फिट ये चार जाक आम ध्यान देकर दिनचर्या को आमको या पड़ खूब सुंदर स्वामीजी तेबे से कहिछंती कि आमर जणे दर्शक लिखिछंती एबे परीक्षा झियो परीक्षा देइछंती किछि दिन भीतर अबिका सब परीक्षा फल बाहरिबो मनरे एक भय अछि जे तांको झियो जदि किछि जहा आशा करूछि परीक्षा रे जदि ता न रहे तेबे से कोनसी जदि रिजल्ट सेतिकी भल न आसला ताले किछि से भूल स्टेप जेमती न लेबो कारण से खूब ए संपर्क रे सेति बाय से भद्रलोक निजे दाई सुनंतु पिला गोटे प्रेसर करवा ना परीक्षा रे भल रिजल्ट हो कि खराब रिजल्ट हो एटा जीवन रो सब किछ नै कारण अनेक समय रे आमे न्यूज पेपर रे पढ़ी था जदि तार कारण होची बापा मा माने तांको प्रेशराइज करथा हां बापा माने तांको प्रेशराइज पिला को करन तू फास्ट होबु नल मुका को मुंह देखि परबिनी तनो सेटी पिला को काउंसलिंग दरकार देखले पिला जे चुपचाप रहउची गुमसुम रहउची एकुटिया रहउची चिंताशील रहउची पिला को कोनसे साइकोलॉजिस्ट को पाको नेकरी काउंसलिंग दरकार सबुले पिलार पाखापाखे रहा दरकार मन को हाल्का कर दरकार कह दरकार जे ये कि नुह जीवन रे ये परीक्षा रे जन खराब करके जीवन रे बहुत ऊपर उठी पार नजर अच्छे ये गोटे परीक्षा ये जीवन रो एंड नुह शेष नुह यह पिला आम साइकोलॉजिकली काउंसलिंग दवा पाखे रही जदि देख ले तथा पिलार मूड एपट सेपट हो साइकोलॉजिस्ट पंखा को लेकिन परामर्श ग्रहण कर तेबे स्वामीजी आज तो समय इशारा आसीगलानी आपण आम दर्शकों प्रश्नर खूब सुंदर उत्तर देले एवं आमको शिक्षार आभिमुख्य संपर्क मते खूब सुंदर कहले से आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आज आलोचना ये रखा पुणी आपण मान सहित देखा हे आगामी अध्याय नमस्कार।